हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोली शर्मा ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए हमारी पूजा वगैरह जो है वो हो चुकी है और सूर्यदेव को हमने जल वगैरह भी अर्पण कर दिया है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उनका मुकुट और माला वगैरह रह गया था पहनाने के लिए, तो वो भी पहना दिया है। और ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, ये है हमारी माता रानी और यहाँ पर ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी फोटो है जो कि रेगुलर हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर अभी हेलो है बोल रहे थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहे हैं 6:30। नहाना धोना सारा, मतलब सारा काम हो चुका है सुबह को, जो भी झाड़ू पोछा वगैरह होता है वो सब, और उसके बाद नहा धो के पूजा किया था। और यहाँ पर अभी आ गए हैं छोटी वाली बेटी का लंच तैयार करने, तो यहाँ पर अभी हमने शिमला मिर्च और गाजर ली है, जो कि शिमला मिर्च हमने छोटे छोटे कट किए हैं, गाजर को ग्रेट किया था। यहाँ पर जीरा और हरी मिर्च वगैरह डाल के सारी सब्जी जो हमने कट करी थी वो ऐड किया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑर्गेनो डाला है, नमक डाला है और ये थोड़ा सा पनीर है जो कि हमने ग्रेट करके सोचा था डालने के लिए, पर हमने पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने टोमेटो सॉस डाला है और मेयोनीज ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मेयोनीज आप को बाद में ऐड करिए, मतलब जब अलग बर्तन में निकाल लें तब, हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर हमने ये ब्रेड लिया है, ब्रेड के साइड ऊपर जो होता है वो हमने निकाल दिया है। उसमें ब्रेड में हमने जो सब्जी हमने रेडी करके रखी थी स्टफिंग के लिए वो ऐड किया है। और यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। और ये देखिए हमारा सैंडविच बनके तैयार है लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप रखा है और ये हमारे जो सैंडविच है वो रख दिए हैं। तो छोटी वाली बेटी का जो लंच बॉक्स है वो रेडी है, और अभी थोड़ी सी चाय लेंगे हम, चाय पियेंगे फिर उसको छोड़ने जाएंगे। उसको भी रेडी कर दिया है, बस थोड़ी सी चाय लेके फिर हम अभी जाते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज भी मैं स्कूल जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ सारी जो दुकानें हैं वो बंद हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। और अभी छोटी वाली बेटी को हम छोड़ के आ रहे हैं घर, आकर थोड़ी देर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर हमने चाय गर्म की है और सेम सैंडविच हमने पापा जी के लिए बनाया है, तो उनको अभी हम नाश्ता दे देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है नाश्ते का। तो पापा जी नहा धोकर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए चाय और सैंडविच जो नाश्ते में है वो दे देंगे। उसके बाद हम हस्बैंड जी का जो लंच बॉक्स है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रहा सैंडविच जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर बच्चों को चीज़ वगैरह हम थोड़ा सा कम ही खिलाते हैं क्योंकि वो नुकसान भी करता है इस वजह से। तो यहाँ पर अभी लंच बॉक्स रेडी करेंगे हस्बैंड जी का, तो आज आलू बैंगन की सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बनाने में बिल्कुल सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी हमने कट कर लिया था, बैंगन आलू कट करके रख लिया है अच्छे से साफ करके। यहाँ पर हमने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें ऐड किया है हमने मेथी दाना, जीरा, हींग, हरी मिर्च। और फिर उसके बाद जब हरी मिर्च हमारी अच्छे से भून गई है तो हमने ऐड कर दिया है जो अपने घर के बेसिक मसाले होते हैं, ड्राई मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से मसाले को भून लिया है। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो कटी हुई सब्जी है आलू बैंगन की। तो यहाँ पर हमने सब्जी ये ऐड कर दिया है और ये एक आलू हमारा रह गया था कुछ ऐसे ही, तो उसको भी कट करके डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे सब्जी को मसाले के साथ। यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, और आप लोग बताइए इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर खाइए तो बहुत टेस्टी लगती है। ना तो इसमें टमाटर जाता है, ना लहसुन, ना प्याज, कुछ नहीं। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे और ये पूरी पराठे के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
यहाँ पर सब्जी हमारी भुन गई थी, हमने ढक्कन लगा दिया है, इसको धीमी आंच में पकने देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, जो भी पानी है वो हम मसाले में ही डाल चुके हैं। और यहाँ पर हमने चावल भी साफ करके रखा था, तो चावल को ऐड कर दिया है नमक और थोड़ा सा घी डालकर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी अच्छे से बन चुकी है। जब तक हमने चावल वगैरह अच्छे से रखे पकने के लिए, तो ये हमारी सब्जी हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा मैगी मसाला ज़रूर ऐड किया है ऊपर से, बाकी आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी और चावल हमारे दोनों चीज़ बन चुके हैं। यहाँ पर अभी हमने आटा लगा के रखा था, तो अभी बना लेते हैं हम पराठे। तो पहले हम गाय की रोटी निकालेंगे और फिर उसके बाद जो पराठे हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल से पराठे बनाएंगे इसी तरीके से राउंड शेप में। तो यहाँ पर ये हमारे जो गाय की रोटी है वो बन के रेडी है, आप पराठे बना लेते हैं। फटाफट से सारे पराठे हम बना के रख लेंगे, फिर हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह भी देना है, तब तक वो रेडी होके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने जो वीडियो है वो बीच में नहीं डाली है, फुल वीडियो नहीं डाला है। शॉर्ट तो बीच बीच में डालते रहे हैं, पर ये फुल वीडियो हमने नहीं ऐड किया है, नहीं बना पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगी। तो बीच में बात करते करते आपसे, ये देखिए हमारे जो पराठे हैं वो भी बन गए। यहाँ पर दूध आया था, दूध रख दिया है और रेडी होकर बैठे हुए हैं। और अभी बस 2 मिनट में वो ऑफिस निकल जाएंगे, उनके जाने के बाद में फिर हम घर का बाकी काम करेंगे। यहाँ पर जो किचन वगैरह सब ले गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बर्तन हमने साफ कर लिए हैं, फिर भी हमारे भूल गए हैं। और यहाँ पर ये फर्श है आनंद जो कि हमने साफ कर लिया है। ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से पौधे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये बहुत दिनों बाद ये एक फूल खिला है, क्योंकि हमने ये पौधे सारे ऊपर छत में रख दिए थे, वहाँ पर फूल नहीं आ रहे थे। और ये बीज से ही जो मौसमी है उसका पेड़ उगा है, जो कि जिसे मौसमी जूस वगैरह बनाते हैं, फिर उसका जो भी फल निकलता है वो खाद मिट्टी में दबा कर रख देते थे, तो उसी से पौधा आया। तो फ्रेंड्स, फिलहाल काम हो चुका है और आज काफ़ी दिनों बाद हमने वीडियो बनाई है, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा।